डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट ICT के अंदर कंप्यूटर कंपोनेंट के बारे में। इसके अंदर दोस्तों मुख्य रूप से इनपुट आउटपुट डिवाइस, CPU, ALU, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रजिस्टर, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इत्यादि के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और इनमें से पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स क्योंकि निमीजी नेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों हम बेसिक रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं, पिक में देखें नंबर एक पे आता है इनपुट यूनिट आती है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर हम क्या क्या चीज़ कनेक्ट करते हैं अपना डेटा डालने के लिए। उसके बाद में आता है दोस्तों CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट आती है और उसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं ALU, सेंट्रल यूनिट और मेमोरी। उसके बाद आता है दोस्तों आउटपुट यूनिट। इन सभी के बारे में दोस्तों हम डिटेल से बात करेंगे। तो नंबर एक पे आते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होती है जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी डेटा डालने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। और इसके लिए दोस्तों हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड की बात करें, जैसे हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ नाम लिखना है, कुछ टाइप करना है, तो किसका यूज़ करें, कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें क्लिक करना है, क्लिक करने के लिए हम माउस का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारे इनपुट डिवाइस काफ़ी तरह की हो सकती है कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क CPU तक पहुंचाने का काम करती हैं। इनपुट डिवाइस कई तरह की हो सकती है, जैसे कि हम बात करें दोस्तों कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम कुछ भी नाम टाइप करते हैं, माउस आपको सभी को पता है, जॉयस्टिक हो गई, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, हमें जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने हैं या फिर ऑनलाइन टीचिंग करनी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों और भी काफ़ी तरह की चीज़ें हमारी इनपुट डिवाइस के अंदर, डिजिटल कैमरा हो गया, कैमरे के द्वारा फ़ोटो खींचते हैं वो हमें सेंड करने के लिए हम डिजिटल कैमरे का यूज़ करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं केबल से। उसके बाद जैसे स्कैनर हो गया, डिजिटाइजर टेबल हो गया, बार कोड रीडर हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया, ATM हो गया, तो काफ़ी तरह की डिवाइसेस हो सकती है इनपुट डिवाइस के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब ये होता है दोस्तों कंप्यूटर में जो डेटा है उसको बाहर निकालने के लिए, उसका रिजल्ट निकालने के लिए जो हम डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है प्रिंटर, जैसे कि मान के चलिए हमने रिजल्ट डाउनलोड कर लिया, उस रिजल्ट को हमें प्रिंट आउट निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंटर का यूज करेंगे, तो वो क्या होगी दोस्तों, हमारी आउटपुट डिवाइस होगी। आउटपुट डिवाइस का मतलब सीधा सा यही है कि कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ पड़ी है उसको हम हार्ड रूप में लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, और या फिर उसको हम फिजिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। इसमें जैसे और भी काफ़ी तरह की चीज़ें आते हैं आउटपुट डिवाइस के अंदर, जैसे हमारा मॉनिटर आ गया। मॉनिटर में क्या है कि हम चीज़ों को देख सकते हैं, कोई भी हमने पिक्चर है, पिक्चर देखनी है, मूवी देखनी है या फिर कुछ भी देखना, तो मॉनिटर होना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रिंटर की, हमने पहले ही बात कर लिया, प्लॉटर हो गया, उसके बाद प्रोजेक्टर हो गया, जैसे क्लास के अंदर होता है, और साउंड कार्ड हो गया,
ईयरफोन हो गया, इनसे क्या है दोस्तों, हम आउटपुट ले सकते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ है उनका। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 पे है सीपीयू। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है ये, आप ध्यान रख लेना, ये पहले पूछी जा चुकी है। इसका हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन इकाई होता है, यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, अर्थात इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण नहीं हो सकता। इससे सभी डिवाइस जुड़ी हुई होती है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। ये जो सीपीयू होता है दोस्तों, ये हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसी के साथ हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस एक साथ जुड़ी हुई होती है। इसे कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम करना, क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूट करना होता है। इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, डिवाइस के कार्यों को भी नियंत्रित करता है, यानी कि ये मेन पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का, जो हमारे पूरे कंप्यूटर को हैंडल करता है। और सीपीयू के अंदर दोस्तों और भी पार्ट आते हैं, जैसे कि एएलयू हो गया, मेमोरी हो गया और सीयू हो गया। और अब बात करते हैं हम एएलयू, एएलयू क्या होता है। नंबर 1 पे तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट यूनिट को संक्षेप में एएलयू कहते हैं। यह यूनिट डेटा पर अंक गणितीय क्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि करने के लिए यूज होती है, यानी कि जहां पे लॉजिक की बात आए वहां पे अर्थमेटिक लॉजिक का यूज किया जाता है। और इसके अंदर दोस्तों जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ कि गुणा करना, जोड़ करना, भाग करना, तो इस तरह की जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं वो एएलयू के अंदर करते हैं। यह मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये मेमोरी लेता है, अपने अनुसार उसको प्रोसेसिंग करता है और हमें मॉनिटर के द्वारा या आउटपुट जो डिवाइस होते हैं उसके द्वारा हमें रिजल्ट दे देता है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पथ होता है दोस्तों जो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी जैसे हमने बात की थी कि जैसे 0 1 की यूनिट हो गया, बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे हम, और इनमें से भी क्वेश्चन पहले आए हुए हैं तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है कंट्रोल यूनिट, सीयू की बात करते हैं। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। सीयू कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की क्रिया को नियंत्रित और संचालित करता है। ये देखिए सीयू क्या करता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर के जितने भी कार्य वो यही करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, साथ ही मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान को भी नियंत्रित करता है और उसको निर्देश देता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। इसका मुख्य कार्य मेमोरी से क्रमानुसार निर्देशों को प्राप्त करना, उसे इंटरप्रेट करना तथा विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना होता है। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वैसे इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता दोस्तों, हमें बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है बस। आगे नंबर 3 पे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है सी पे मेमोरी है। यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण करके रखता है, यानी कि स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है, यानी कि जो मेमोरी होती है दोस्तों, मेमोरी आप सभी को पता है कि जहाँ पे हम स्टोर करते हैं अपने डेटा को, स्टोर करते हैं जैसे मोबाइल में, आप सभी को पता है पहले चिप आती थी, 1 GB चिप, 2 GB, 10 GB, 8 GB, इस तरह से 16 GB, 32 GB चिप आती थी। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी पार्ट होता है जहाँ पे हम अपना पूरा का पूरा डेटा स्टोर करते हैं। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार मेमोरी है कंप्यूटर के लिए। क्या है मेमोरी? यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। यह एक संग्राहक उपकरण है, स्टोरेज डिवाइस है। अंत इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर काफ़ी तरह की मेमोरी हो सकती है दोस्तों, अलग अलग तरह की मेमोरी हो सकती है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों या निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेमोरी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है कंप्यूटर के अंदर। एक तो होती है वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि परिवर्तनशील मेमोरी, और दूसरी होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इन सभी, इन दोनों
दोनों के बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसमें से, और अभी हमारा 2020 का एग्जाम हुआ है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं। ये देखें, नंबर एक पे बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वोलेटाइल मेमोरी, परिवर्तनशील मेमोरी, इसे प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए, वोलेटाइल मेमोरी जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। यह सीधे सीपीयू के संपर्क में रहते तथा इसके डेटा और निर्देशों का सीपीयू द्वारा तिरो तथा प्रत्यक्ष उपयोग होता है। इसे परिवर्तनशील मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, वोलेटाइल मेमोरी यानी कि परिवर्तनशील, परिवर्तनशील मतलब जो बदली जा सके, जो चेंज हो सके। ये क्या है दोस्तों, इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, वो डिलीट भी हो सकता है, वो इरेजेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो परमानेंटली नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, वोलेटाइल मेमोरी। और इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, रैम इसका उदाहरण है। और रैम और रोम के बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नंबर दो पे, अपरिवर्तनशील मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों ज़्यादा मात्रा में डेटा और स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उपयोग कब किया जाता है, जब हमें ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर करना हो और स्थायी तौर पर हमें डेटा स्टोर करना हो, तब इसका यूज़ किया जाता है। इसे द्वितीय मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उदाहरण हम लेके चले तो हार्ड डिस्क इसका एक उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर हम अपनी मेमोरी सेव कर सकते हैं, उसको कितने भी साल उसको रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर। और जो हमारी रैम और रोम है उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। अगर हम स्पेस के आधार पर बात करें दोस्तों, तो स्पेस के आधार पर कंप्यूटर मेमोरी चार तरह की हो सकती है। अब देखिए, ये मेमोरी के टाइप भी हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अभी आप एग्ज़ाम देखना, 2020 के जो एग्ज़ाम हुए उनमें भी इनमें से क्वेश्चन आए हैं। नंबर एक पे दोस्तों हमारे पास रजिस्टर मेमोरी है। रजिस्टर मेमोरी क्या होती है दोस्तों, रजिस्टर मेमोरी को रजिस्टर भी कह सकते हैं। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी होती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों। ये क्या होती है, सबसे छोटी मेमोरी होती है लेकिन सबसे तेज़ मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी का जो साइज़ है दोस्तों, 16, 32 और 64 बिट हो सकता है, ये इसका अलग अलग साइज है दोस्तों। इसमें जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, ये कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी। नंबर दो पे दोस्तों कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी चाहे फ़ोन की हो या कंप्यूटर की हो, कोई भी काम अत्यधिक तेज़ी से करती है। असल में कैश मेमोरी आकार में बहुत छोटी होती है लेकिन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी से बहुत तेज़ होती है। अब देखिए, कैश मेमोरी का मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे मोबाइल के अंदर भी कैश मेमोरी होती है, ये क्या करते हैं देखिए, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट हमने एक बार ओपन की, ठीक है, उसके बाद में दूसरी बार ओपन की, तीसरी बार ओपन की, तो जितनी बार हम ओपन करेंगे अपनी वेबसाइट को उतनी बार वो क्या है कि कैश मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता रहेगा। मान के चलिए हमने तीन बार एक वेबसाइट को ओपन किया, लेकिन जब हम चौथी बार उस वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, तो उसमें टाइम बहुत कम लगेगा क्योंकि उसने जो डेटा है वो पहले ही स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो कैश मेमोरी का काम यही होता है, जब हम किसी चीज़ को बार 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 यूज़ करते हैं तो उसका वो डेटा स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी उसको काम में हम ले सकते हैं। ये मुख्य कार्य होता है कैश मेमोरी का। दोस्तों आगे है हमारे पास नंबर तीन पे प्राइमरी मेमोरी। ये क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ डेटा, सूचनाएँ एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं। जैसे मान के चलिए हम कुछ चीज़ चला रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हम चला रहे हैं, ठीक है, कुछ गेम हम चला रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान उस गेम को कितना अच्छे से चलाना है, सॉफ्टवेयर किस कितना स्मूथली चलाना है, उसके लिए प्राइमरी मेमोरी का यूज
होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का यूज़ कब होता है? जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, उसको स्मूथली चलाने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए प्राइमरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है। और ये जो है दोस्तों, कंप्यूटर बंद होने के बाद में या लाइट चले जाने के बाद में प्राइमरी मेमोरी है वो हमारी चली जाती है, वो सेव नहीं रहती। ये इसकी लिमिटेशन हम कह सकते हैं। और इसके अंदर हम बात करें तो दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक तो रैम होती है और दूसरी क्या होती है, रोम होती है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि जब हम मोबाइल लेने जाते तो पूछते भाई इसकी रैम कितनी है, कोई कहेगा 2 GB है, 4 GB है, 16 GB है। पहले बहुत छोटी रैम आती थी, लेकिन आज तो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा रैम आने लग गई है। तो इनका रैम क्या होता है दोस्तों? रैम आपने सुना होगा कि कम जो मोबाइल है, मोबाइल को अच्छे तरीके से चलाने के लिए रैम का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। यही काम हमारा सेम कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज़। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मुख्य रूप से आती है रैम और रोम, इसमें से क्वेश्चन आता है दोस्तों इन दोनों में से। देखिए, रैम और रोम क्या है? नंबर एक पे रैम आती है दोस्तों। रैम की फुल फॉर्म हमें पता होना जरूरी है। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। यह कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी होती है। क्या होती है दोस्तों? अस्थाई मेमोरी होती है। और कीबोर्ड तथा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ हम इनपुट करेंगे, ठीक है, कुछ भी चीज़ डालेंगे तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? वो जाएगी रैम के अंदर जाएगी दोस्तों। उसके बाद में वो देखेगा कि वो कहाँ पे भेजनी है। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताई, कई बार मैंने आपको बता दी कि ये जो होती है अस्थाई मेमोरी होती है। यहाँ पर जो डेटा आता है अस्थाई आता है, और कंप्यूटर बंद होने के बाद में या फिर बिजली चले जाने के बाद में इसमें जो डेटा होता है वो मिट जाता है। और ये क्या काम करता है? ये वही है कि प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, रैम का यूज़ किया जाता है। और रैम क्या है दोस्तों? हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है, या फिर हमारी क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। और जो पहले जो साइज होता था दोस्तों हमारी रैम का, वो 4 GB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB ऐसे होता था। लेकिन आज आप सभी को पता है रैम का जो साइज़ है दोस्तों, वो 2 GB हो गया, 2 GB हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 GB हो गया, 32 GB तक हमारी रैम आज आ गई है, ठीक है। तो रैम का आज साइज़ बहुत बढ़ रहा है, लेकिन पहले काफ़ी छोटी छोटी रैम होती थी। अब रैम के भी हमारे दोस्तों काफ़ी टाइप हो सकते हैं। डायनामिक रैम हो गया, सिंक्रोनस रैम हो गया, स्टेटिक रैम हो गया। इनके बारे में हमें डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में से इनमें से क्वेश्चन आज तक नहीं आए हैं। नंबर दो पे आगे आता है दोस्तों, हमारे पास रोम आता है। अब रोम को समझते हैं, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। इसको क्या है कि केवल और केवल हम रीड कर सकते हैं। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होती है। यह है स्थाई मेमोरी होती है। ये क्या है दोस्तों? ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, स्थाई मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट किए जा सकते हैं, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। अब देखिए, इसका क्या काम होता है दोस्तों? जैसे हम कोई भी गेम बना रहे हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो तब इसका यूज़ किया जाता है, तभी उसी टाइम इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एक चीज़, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम मोबाइल लेके आते हैं, मोबाइल का जो मेमोरी होती है वो कहते हैं भाई 64 GB इसके अंदर मेमोरी है, ठीक है, 64 GB है। लेकिन जब हम फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं, तो फिर वहाँ पर हो सकता है हमारी जो मेमोरी है 52 GB हो, ठीक है। अब 8 GB जो मेमोरी है वो कहाँ पे गई दोस्तों? 8 GB मेमोरी कहाँ गई? 8 GB मेमोरी हमारे जो गेम है, हमारे फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन है, हमारे फ़ोन के अंदर डली हुई, उनके अंदर इस मेमोरी का यूज़ होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। और इसके द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको केवल हम देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनको हम अपनी तरफ अपने हिसाब से मॉडिफाई उनको नहीं कर सकते। यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच हो जाने के बाद भी रोम में संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता,
ठीक है, हमारा मान के चलिए कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है, कोई गेम है, अगर वो चलते चलते हमारा कंप्यूटर बंद हो गया या फिर हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो वो गेम हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा। अंत रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है तथा स्थायी मेमोरी कहलाती है। रोम क्या है दोस्तों, ध्यान रख लेना, रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और ये एक स्थायी मेमोरी है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, रैम की और रोम की। आप पर रैम के बारे में पढ़ लेना, हमने ऊपर बताया। ये हमारी रैम क्या है दोस्तों, ये हमारी अस्थायी मेमोरी है। रैम क्या है, अस्थायी है, और रोम क्या है, हमारी स्थायी मेमोरी है, ये आप ध्यान में रखना दोस्तों। और रोम है, रोम के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। पी रोम हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये हो गया, ये आप देख लेना दोस्तों। इनमें से फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं वो। और यहाँ पे दोस्तों आपको और भी अच्छे तरीके से इन दोनों के अंदर डिफरेंस बता देते हैं, डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। देखिए रैम की हम बात करें तो ये क्या है, हमारी टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, जबकि रोम क्या है, वो हमारी परमानेंट मेमोरी है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, गेम बनाते हैं। और ये क्या है, रैम हमारी गेम को चलाने के लिए यूज होती है स्मूथली। रैम जो है, चिप इज वोलेटाइल, ये क्या होती है दोस्तों, वोलेटाइल होती है, रैम हमारी वोलेटाइल होती है, जबकि रोम हमारी नॉन वोलेटाइल होती है। रैम अलाउ रीडिंग एंड राइटिंग इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, ये रीड एंड राइट दोनों के लिए यूज होती है रैम हमारी, लेकिन रोम जो है दोस्तों वो रीड ओनली होती है, उसको केवल हम रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं, रैम चिप इज यूज इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ये क्या है, नॉर्मल ऑपरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, नॉर्मल काम के लिए इसका यूज़ किया जाता है रैम का, जबकि रोम का उपयोग दोस्तों इट इज़ यूज्ड मेनली फॉर द स्टार्टअप प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर। अब ये देखिए, वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है जो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि कंप्यूटर को जब हम स्टार्टअप करते हैं, शुरू करते हैं, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, रोम का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है। और नंबर चार पे दोस्तों हमारी जो मेमोरी टाइप है वो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है, स्टोरेज के काम आती है और इसे सेकेंडरी स्टोरेज भी कहा जाता है। देखिए इसका मतलब क्या है, ऐसी मेमोरी जिसको हम अलग से जोड़ते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हम चिप जोड़ते हैं, या फिर पेन ड्राइव लगाते हैं, या फिर हार्ड डिस्क लगाते हैं एक्सटर्नल, या फिर अपना जो जो मोबाइल है, मोबाइल को हम केबल के जरिए, डेटा केबल के जरिए उसको जोड़ते हैं, तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी हमारी सेकेंडरी मेमोरी हो गई, ठीक है। और इसमें जो डेटा होता है दोस्तों वो काफ़ी समय तक हम रख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं, और उसको हम घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इस ये काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। और इसके अंदर जो डेटा है वो बहुत अच्छा स्टोर कर सकते हैं, जितना समय तक हम चाहें उतना स्टोर कर सकते हैं। और इसके भी दोस्तों काफ़ी तरह की मेमोरी हो सकती है, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम बात करें तो, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, USB ड्राइव हो गया, ठीक है, और उसके बाद में हार्ड डिस्क हो गया हमारा, ठीक है। और मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ना, हार्ड डिस्क हो गया और हमारी वो होगी, जैसे डेटा केवल हम यूज़ करते हैं मोबाइल के द्वारा, वो हो गई हमारी चिप होगी, और हमारी USB यानी कि पेन ड्राइव हो गई। तो ये हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, सभी मेमोरी के टाइप, रैम, रोम, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रजिस्टर्ड मेमोरी, ये सभी आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियो
वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।